हे एवरीवन, बिजी कुजीन में आप सबका स्वागत है। ईट एंड एंजॉय। इस डिश को देखते ही मुंह में पानी आ जाता है और लग रहा है कि इसको फटाफट से खाया जाए। तो चलिए पहले बनाते हैं इसको हम आज मुगलई दम आलू। आज हम बनाएंगे इंडियन कुजीन की एक बहुत ही बेहतरीन डिश मुगलई दम आलू, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से घर में रखे इजी सामान के साथ। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए ये छोटे साइज़ के आलू हैं जिनको हमने अच्छे से धो के पील कर लिया है, छील लिया है। एक कटोरी टमाटो प्यूरे, 6 से 7 काजू का पेस्ट जिसको दूध में भिगो के मिक्सी में पीस लिया है, कटी हुई हरी मिर्च 1, थोड़ा सा कटा हुआ बारीक अदरक, थोड़े से होली स्पाइसेस चाहिए, तेज़पत्ता 1, कश्मीरी लाल मिर्च 2, 1 दालचीनी का टुकड़ा, लौंग, फूल चक्री, 2 हरी इलायची, 1 काली इलायची बड़ी, जावित्री, थोड़े से ब्लैक पेपर कॉर्न्स, काली मिर्ची साबुत और थोड़ी सी कसूरी मेथी। तो चलिए इनको हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आलू फ्राई करेंगे। तो ऑयल गरम हो गया अच्छे से, तो हम इसमें एक एक करके सारे आलू डाल के इनको गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। अच्छे से जब तक ये गोल्डन हो जाएं तब तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो ये 7-8 मिनट हो गए हैं, आलू अच्छे से फ्राई हो गए। इतने फ्राई करने हैं हमको, तो अब इनको हम निकालेंगे और मुगलई दम आलू की ग्रेवी रेडी करेंगे। एक कढ़ाई या पैन लेंगे, उसमें हमने डाल लिया है ये बटर, 3 से 4 बड़े चम्मच बटर है। ऑयल भी ले सकते हैं और घी में भी बना सकते हैं। तो इसको अच्छे से पहले मेल्ट कर लेंगे। मेल्ट होने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, शाही जीरा, थोड़ा सा हींग डालेंगे और इनको अच्छे से 1 मिनट के लिए क्रैकल होने देंगे। जीरा क्रैकल हो गया है तो अब डालेंगे हरी मिर्च, अदरक, इनको 1 मिनट के लिए भूनेंगे अच्छे से। और इसके बाद हम अपने होल स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो अब डालेंगे हम साबुत कश्मीरी लाल मिर्च, बेली, जावित्री, मेस, बड़ी इलायची, पेपरकॉर्न्स, हरी इलायची, फूल चक्री, लौंग, दालचीनी, सारे होली स्पाइसेस को हम अच्छे से 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि सबका अरोमा बटर में अच्छे से आ जाए, इनका फ्लेवर। इस तरह से इनको अच्छे से सब में 1-2 मिनट के लिए भूनेंगे। उसके बाद हम अपने टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे। तो टमाटो प्यूरी ऐड करने से पहले हम कुछ सूखे पाउडर्ड मसाले ऐड कर लेते हैं। 1/2 छोटा चम्मच हल्दी डालेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर और थोड़ी सी हम डालेंगे लाल मिर्च नॉर्मल वाली। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए 3-4 मिनट के लिए हम इसको पका लेंगे। तो अब ये थोड़ा सा टमाटो प्यूरी और मसाले कुक हो गए हैं, तो हम बाकी मसाले ऐड करेंगे। ड्राई मैंगो पाउडर, अमचूर 1/2 छोटा चम्मच, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे नमक, थोड़ा सा कसूरी मेथी हाथ से इस तरह से क्रश करके। सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो
यहाँ पर हम ऐड करेंगे अपना काजू का पेस्ट। काजू का पेस्ट से बहुत ही रिच फ्लेवर आता है, उसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा क्रीमी हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। बस अब एक दो मिनट के लिए पकाएंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे एक दो मिनट पकाने के बाद हम। तो इसको एक दो मिनट पका लेते हैं। तो अभी ग्रेवी गाढ़ी है, हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, जितनी हमें पतली ग्रेवी चाहिए या गाढ़ी उसके अकॉर्डिंग हम पानी ऐड कर लेंगे। तो थोड़ा सा और करेंगे, अब हम इसको 7-8 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे। तो हम लास्ट में ऐड करेंगे 1/2 छोटा चम्मच इतना गरम मसाला फ्लेवर के लिए, इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा, खुशबू भी बहुत अच्छी होगी। और अब ऐड करेंगे हम लास्ट में जो हमने आलू फ्राई किए थे। तो सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे हम, इस तरह से सब चीज़ों को मिक्स करके आलू अच्छे से कोट हो जाए मसाले में। तो यहाँ पर हम लिड लगा के इनको 7-8 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ देंगे। तो 5-6 मिनट हो गए हैं, हमारे मुगलई दम आलू बनकर रेडी हैं इस तरह। तो चलिए इनको एक अच्छी सी डिश में सर्व कर लेते हैं। तो मुगलई दम आलू को हमने एक अच्छी डिश में सर्व कर लिया है, एकदम डिलीशियस लग रहे हैं। तो थोड़ा इनको और गुड लुकिंग बनाते हैं। थोड़ा सा हम कसूरी मेथी स्प्रिंकल करेंगे इस तरह। थोड़ी सी फ्रेश क्रीम लेंगे और फ्रेश क्रीम से इसको ऊपर ड्रिजल करेंगे ताकि खाने में तो ये स्वादिष्ट लगे ही और देखने में भी ये बहुत ही सुंदर लगे। तो ये हमारे तैयार है एक बेहतरीन इंडियन कुजीन की डिश, मुगलई दम आलू। तो चलिए यही बनाइए आप भी अपने घर और सभी को खुश कीजिए। ईट एंड एन्जॉय। इसी तरह की टेस्टी टेस्टी हेल्दी रेसिपीज़ को और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबा दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई रेसिपीज़ की अपडेट मिलती रहे। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर करें।